पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ग्राम पंचायत सिरसा इनायतपुर से विधान पद के उम्मीदवार शाहना बेगम चुनाव मैदान में हैं और घंटी के चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से जीत दिलाने की बात कह रही हैं। तो वहीं शाहना बेगम के पति दिलदार अली उर्फ बबू भाई कोई भी कोर कसर प्रचार में नहीं छोड़ना चाहते। उनका कहना है कि क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता है और क्षेत्र की सभी समस्याओं का प्रबलता के साथ समाधान कराना ही उनका मकसद होगा। मैं विकास ही कराऊंगा। यहाँ 20-25 साल हो गए इस गांव को, सबको कोई विकास नहीं हुआ, 2 रुपए का काम नहीं हुआ। कैसा रुझान मिल रहा है जनता का? रुझान बिल्कुल एक तरफा आया है यहाँ 600 वोटों का। किससे टक्कर मान रहे हैं अभी अपनी? टक्कर पक्कर तो वहाँ पल्ली वाले गांव में 14 लोग लड़ रहे हैं 2400 वोटों में, टक्कर पक्कर की चीज नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के वोट जनता से? अपनी जनता से अपील यही है, एक बार मुझे बना दे, फिर मैं इसे नए गाँव को नया मुरादाबाद बना दूंगा इंशाल्लाह। जो विकास अभी पुराने रह गए थे, कुछ काम रह गए थे, विकास हुआ ही नहीं भाई साहब। जब से हम हटे हैं तब से कोई विकास ही नहीं हुआ। क्या इंदिरा आवास मिला है? बाढ़ पीड़ितों को जैसे आवास मिलते थे, डीएम साहब ने वादा किया था हमसे, कोई 2 रुपए का अभी बेनिफिट नहीं मिला जनता को, 102 परिवार। तो किस तरीके से योजना बनाई है कि इन लोगों को उनका हक दिलवाएं? हम तो बाढ़ पीड़ित हैं 25 साल से, आज तक कोई सहायता नहीं दी। उसी हिसाब से हम अपनी सरकार से अपील करेंगे, कहीं ना वो दिया जाए। यहाँ स्कूल भी नहीं है, कोई प्राइमरी पाठशाला भी नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था की? वो साहब जितनी औकात है इतना काम करेंगे, युवाओं के लिए भी ऐसा थोड़ी है कि साहब हम प्रधान बन गए तो कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बन गए। मैं ग्रेजुएट हूँ 1985 का, ऐसी बात नहीं, मैं जाहिल आदमी नहीं। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, और फिर ये जो राशन लेने 2-3 किलोमीटर माँ बहनें जाती हैं, बच्चे जाते हैं, सबसे पहले वो काम। दुकान नहीं है इस गांव में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।